क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु क्या हुआ था? मैं संघ से हूँ, सरदार पटेल शाखा से, मौजपुर। मैं सेवाधाम से वहाँ से आ रहा था, गौशाला से। तो मेरा एकदम फ़ोन आया था, तो मैं कभी रोड पर उठाता नहीं हूँ। उस दिन फ़ोन आया इमरजेंसी, तो मैंने उठाया। जैसे हेलो करी है, थोड़ी सी बात हुई है, तो मैं तो छीन के, एक लड़का बाइक में पल्सर पर था, वो बहुत तेज छीन के ले गया। और हम देखते रह गए, उसका नंबर प्लेट भी नहीं थी उस पर। कंप्लेंट लिखवा दी तुमने थाने में? कंप्लेंट लिखवाया था डेली गाँव को खाना डालने के लिए। तो वहाँ से आ रहे थे वो लोग इकट्ठे, मतलब छः सात जने आ रहे थे, इकट्ठे आ रहे थे। वो बीच में से आया मोटरसाइकिल पे एक बंदा, और पल्सर बाइक थी। उनने जैसे फ़ोन निकाला, वो उनने ऐसे कान पे लगाया और तुरंत ही एकदम ही छीन के ले गए उसके हाथ से। और अकेला लड़का था, वह आवाज़ मारते रह गए। इतने में तो बाइक बहुत तेज़ी से वो गायब करके ले गया, पता नहीं चला उसको। हमने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई, वहाँ पर कॉल करी थी, लेकिन पुलिस नहीं आई वहाँ पर। वहीं खड़े होकर कॉल करी भाई ने 100 नंबर पर, लेकिन पुलिस आई नहीं वहाँ पर। फिर उसके बाद वो घर आ गए, घर आके फिर कंप्लेंट लिखवाई। तो हमारे एक जानकार थे, उनसे हमने FIR करवाई वहाँ पर। तब जाके कुछ हुआ कि उसमें सारा क्षेत्र में कितनी मतलब चोरियों की वारदात या स्नैचिंग की वारदात को जानकारी है आपके यहाँ क्षेत्र में? हमारी जो जानकारी है, कम से कम नहीं चार पांच केस हो गए हैं जो मोबाइल छीन के ले गए हैं। यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, मोबाइल इतने छीन रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। हमारे सामने सामने आंखों के सामने शाम को 8:30 बजे से टहलने आए हुए हैं। इस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इस चक्कर में बंदा फ़ोन छीन के ले गया। चौधरी बिल्डर है हमारे यहाँ पीछे, उसके वहाँ के सामने से ले गया, बताओ। और कई गलियों में गायब हो गया, ढूंढना पिला ही नहीं बंदा। फ़ोन की तो वारदात बहुत ज़्यादा हो रही है।